so good morning sound class once again last time we had read about the acids and the bases we had also read about the characteristics of the acids and bases and the various types of acids and we had also read about the fats that is fatty acids that is uh, which is present in the fats amino acids prepares the protein which is very helpful for our growth and development and we also uh, discussed about dna that is deoxyribose nucleic acids that controls our characters फॉर एग्ज़ाम्पल इफ ए पेरेंट हैज़ ब्राउन कलर इफ सन इज ऑल्सो हैविंग ब्राउन कलर ऑफ हेयर दैट मीन्स ही हैज़ एक्वायर्ड समथिंग फ्राम हिज पेरेंट्स उसने अपने पेरेंट्स से कुछ लाया हुआ है तो इसीलिए वो डी एन ए की वजह से होता है बहुत बार बोला जाता है कि बच्चों के जो आइज़ का कलर है वो फादर्स पे गया हुआ है तो वो करैक्टर जो होता है वो फादर का करैक्टर बच्चे पे आया है किसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ डी एन ए ठीक है ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है सो वी हैड ऑल्सो डिस्कसड अबाउट द बेसिस एंड द टाइप्स ऑफ बेसिस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड नाओ वी विल डिस्कस अब लास्ट में हमने टॉपिक ये छोड़ा हुआ था कि अगर हम सोप्स uh, और एसिड और बेसिस को अगर टच करके पता नहीं लगा सकते टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते तो कैसे लगाएंगे पता तो उसके लिए हम बेस की एग्जाम्पल लेंगे आपको बोला टर्मरिक टर्मरिक जो है एक कॉमन स्पाइस है किचन में यूज़ होता है येलो कलर का होता है और एंड स्टेन् वाइट कॉटन क्लॉथ्स येलो अगर एक वाइट कपड़ा कपड़े के ऊपर एक आ, थोड़ा सा ये गिर जाए टैबलिक पाउडर तो वो क्या कर देता है उसको येलो बना देता है इन्होंने बोला है अगर हम उसको रब करेंगे सोप सोल्यूशन से द कलर ऑफ द स्टेन चेंजेज इं टू ब्राउनिश रेड तो कलर जो होता है उसका क्या ला हो जाता है ब्राउनिश रेड वाई डज दिस हैपन ऐसा क्यों होता है द सोप सोल्यूशन ऑलवेज कंटेन्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल काल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में हमेशा एक सोल्यूशन होता है जिसको आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है जो चेंज कर देता है कलर को टर्मरिक के फ्रॉम येलो टू ब्राउनिश वो येलो को ब्राउनिश में चेंज कर देता है ठीक है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो टर्मरिक के स्टेन को येलो से ब्राउनिश में कन्वर्ट कर देता है सो so, इन्होंने बोला है नाउ इफ़ यू रब अ फ्रेशली कट लेमन ऑन ब्राउनिश रेड स्टेन इन्होंने बोला है कि अगर हम रब करेंगे को ठीक है लेमन को कट करने के बाद उसी स्टेन पे अगर हम ब्राउनिश रेड स्टेन जो हो गया है उसके ऊपर अगर हम करेंगे तो उसका कैसा कलर हो जाएगा तो आंसर ये है उसका कलर दोबारा से येलो हो जाएगा मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी में शायद आपको समझ नहीं आया होगा तो मान लो आप कुछ खाना खा रहे हो और खाना खाने के बाद क्या होता है कि आपसे जो आप खाना खा रहे थे वो हल्का थोड़ा सा खाना आपके वाइट टी शर्ट पर या वाइट शर्ट पर गिर जाता है ठीक है गिरने के बाद क्या होगा आप देखोगे उसका येलो कलर हो जाएगा क्योंकि आपके खाने में सब्ज़ी में आपकी टर्मरिक तो जरूर होता है हल्दी ज़रूर होती है हल्दी की वजह से क्या हो जाएगा वो येलो कलर का हो जाएगा फिर आप उसको क्या करोगे सोप से वॉश करोगे सोप से धोगे तो उसका कलर येलो था तो वो ब्राउनिश रेड हो जाएगा अब ब्राउनिश रेड होने के बाद आप उसके ऊपर लेमन जूस को थोड़ा सा लेमन को रब करोगे तो क्या हो जाएगा उसका कलर दोबारा से येलो हो जाएगा ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो आपने सोप सोल्यूशन यूज़ किया दैट इज़ बेसिक वो क्या था बेसिक था सो so, बेसिक ने बेसिक को जब आप बेस को आपने टर्मिनिक सोल्यूशन में डाला तो उसका कलर कैसा हो गया ब्राउनिश रेड उसी ब्राउनिश रेड को जब आपने एसिड पर डाला उसका कलर कैसा हो गया येलो तो इससे पता चलता है कि येलो में तो सिट्रिक एसिड था तो एसिड uh, का कलर कैसा हो गया चेंज हो गया सो so, इससे आपको पता चल जाता है दैट uh, कि जो सिट्रिक एसिड है उसने न्यूट्रलाइज़ कर दिया उस इफेक्ट को ठीक है इस डिस्कशन से हमें यह पाया जाता है कि कुछ सबस्टांसिज ऐसे होते हैं जो एसिड्स और बेसिस के कलर को अफेक्ट करते हैं और जो कलर में चेंजेस लाते हैं उनको बोलते हो आप इंडिकेटर्स ठीक है जब भी आप ये इंडिकेटर यूज करोगे तो आपको एसिड्स और बेसिस के कलर्स में कोई ना कोई चेंज मिलेगा सो दीज आर नोन एज इंडिकेटर्स सो वट आर बेसिकली इंडिकेटर्स वी विल लर्न इट आउट नाउ सो कॉम्प्लेक्स नेचुरली अकरिंग सबस्टांसिस वो सबस्टांसिस जो कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचुरली हमें मिलते हैं और कलर चेंज कर देते हैं जब भी वो एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनको आप क्या बोलते हो इंडिकेटर्स ठीक है सो so, अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये वो सबस्टांसिस होते हैं जो अपने कलर को चेंज कर देते हैं वन दे कम इन कॉन्टैक्ट ठीक है जब किसी चीज़ के वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसको आप अंडरलाइन कर दोगे और अब आपको बोला है इस डिस्कशन में आपको पता चल गया भाई टर्मरिक एक इंडिकेटर है क्योंकि वो एसिड और बेस के कलर को चेंजेस लाता है और अलग अलग इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं तो पहला है फिनॉल पैथेलिन सॉल्यूशन और चाइना रोज चाइना पेटल जिसको आप आ, गुदाल भी बोलते हो चाइना रोज पेटल जो ही होता है बड़े सारे आप देखोगे हमारे घरों के पास ही रेड कलर का फ्लावर लगा होता है वो काफ़ी रेड कलर का फ्लावर होता है और उसके जो बीच में से एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भी निकलता है मतलब कुछ फ्लावर का आप देखोगे तो कुछ ऐसा ऐसा फ्लावर होता है वो और बीच में से इस तरीके से उसमें से निकलते हैं वो स्ट्रक्चर और अब जो मैंने स्ट्रक्चर बना ही लिया तो शायद आपको समझ आ ही गया होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बीच में से उसमें से ये निकलता है और इसके बीच में डॉट डॉट से ये डले होते हैं तो वो चाइना रोज़ का स्ट्रक्चर होता है और उसमें से ये चीज़ मिलती है अब आपको बोला है समटाइम्स वी सोक थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ फ़िल्टर पेपर इन द सोल्यूशन ऑफ अवर मैं सबस्टांस एंड ड्राई दैन कभी कभी हम क्या करते हैं सोक करते हैं गीला करते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स फ़िल्टर पेपर की इन सोल्यूशन में और हम देखते हैं हमको सुखाने की कोशिश करते हैं ठीक है इन सोल्यूशन में डालने की सुखाने की कोशिश करते हैं द ड्राइड स्ट्रिप्स आर कॉल्ड लिटमस पेपर और वो स्ट्रिप्स जो होती हैं उनको आप क्या बोलते हो लिटमस पेपर बेटा लिटमस पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है लिटमस पेपर जो है वो आपको कलर चेंजेस के बारे में बताता है ठीक है इसको लिटमस पेपर बोला जाता है जो फिल्टर पेपर की तरह दिखता है लेकिन आप इसको जब डालते हो इंडिकेटर में तो कलर उसको चेंज होता है किसी भी सब में डाल तो चेंज होता है एग्जाम्पल इन्होंने लिया मिथाइल ऑरेंज पेपर फिनॉल पिथाइलिंग पेपर चाइना रोज पेपर तो दैट मीन सिर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं इनको आप सॉलिड फॉर्म में बना सकते हो सो so, इसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है सबस्टांसिस को तीन वेज में एसिड बेसिस एंड एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सबस्टांसिज ठीक है सो अब ये क्या हैं हम इनको बारे में इनके बारे में पढ़ेंगे सो अब आपको बोला है सबसे पहली बात कि न्यूट्रल वो वोस्टांस हैं जो ना ही एसिड्स होते हैं ना ही वो बेसिस होते हैं और वो इंडिकेटर्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते जैसे एल्कोहल एल्कोहल के बीच में आप फिल्टर पेपर डालो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता ठीक है लिटमस पेपर डालो तो कोई चेंज नहीं आता जब डिस्टिल्ड वाटर को आप यूज़ करते हो तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आता दैट इज़ वाई दे आर नोन एज न्यूट्रल सबस्टांसिस ये कौन से सबस्टेंस होते हैं न्यूट्रल सबस्टांसिज ठीक है सो so, अब हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की अब नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं सो नेचुरल इंडिकेटर से पहले आप बात करोगे लिटमस की जो जिसको आप नेचुरल डाई भी बोलते हो सो so, इसमें क्या है वो हम पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से पहले एसिड्स आप पढ़ चुके हो बेसिस आप पढ़ चुके हो और वो सबस्टांसिस जो न्यूट्रल रहते हैं कलर में कोई चेंज नहीं लाते तो वो हो गया न्यूट्रल सबस्टांसिस सो अब लिटमस लिटमस क्या है एक नेचुरल डाई है सो so, लिटमस क्या होता है सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है या पेपर की फॉर्म में होता है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये दिया है आपको यहाँ पे ये पेपर है ठीक है ये लिटमस पेपर और ये भी लिटमस पेपर सो अब आपको बोला है लिटमस पेपर किस फॉर्म में होते हैं या ड्राइड पेपर की फॉर्म में या सोल्यूशन की फॉर्म में तो आपको बोला द डाई लिटमस जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करते हो किन से लाइकन प्लांट से सो लाइकन प्लांट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ये लाइकन प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है आप इनको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा लाइकन प्लांट्स ही हैं फिर आते हैं न्यूट्रल सबस्टांसिस और एक और बात जो ये प्लांट्स हैं ये आपको टंड्रा रीजन से मिलते हैं और द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इन डिस्टिल्ड वाटर इज़ पर्पल इन कलर जो सोल्यूशन होता है लिटमस का जब आप उसको वाटर में डालते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है पर्पल इस सोल्यूशन को आप बोलते हो नेचुरल लिटमस सोल्यूशन सो मैं दोबारा से बताना चाहूँगा लिटमस क्या होता है सोल्यूशन की फॉर्म में होता है या ड्राइड पेपर की फॉर्म में होता है तो जो डाई लिटमस होता है वो एक्सट्रैक्ट मिलता है आपको मिलता है कहाँ से लाइकन के प्लांट से लाइकन प्लांट्स क्या होते हैं इसको आप काई के पौधे बोलते हो ये आपको टंडरा रीजन में मिलते हैं और जो सोल्यूशन होता है लिटमस का उसको आप डिस्टिल्ड वाटर में जब आप डालते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है पर्पल इन कलर तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा वाट इज़ डिस्टिल्ड वाटर सो so, हम बात कर रहे थे डिस्टिल्ड वाटर की डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है जो हम जिस पानी को पहले बॉयल करते हैं ठीक है उबालते हैं और उस बॉयल पानी को कंडेंस करते हैं कंडेंस करने का मतलब उसको ठंडा करते हैं ठंडा करने के बाद उस पानी को अलग ही कंटेनर में डालते हैं उसको डिस्टिल्ड वाटर बोला जाता है प्योरे फॉर्म होती है पानी की ये ठीक है इस पानी में जब आप क्या डालोगे लिटमस डालोगे सोल्यूशन डालोगे लिटमस का जो आपको काई के पौधे लाइकन से मिलता है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा पर्पल इसका मतलब जो लिटमस सोल्यूशन है द स सोल्यूशन इज कॉल्ड न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन और ये सबस्ट कैसा, सोल्यूशन कैसा बन जाएगा न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन लेकिन जी इस न्यूट्रल स्टिटमस को ये जो पहले आपको पता ना न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन कैसे बना आपने डाई जो था लिटमस जो था वो कहाँ से निकाला लाइकन से उस लाइकन के जो आपने उसमें से कलर निकाला उसको आपने डाल दिया डिस्टिल्ड वाटर में डिस्टिल्ड वाटर में डालने के उसका कलर कैसा हो गया पर्पल अब इस पर्पल सोल्यूशन के अंदर जब भी कोई आप एसिड वाला सबस्टांस डालोगे ठीक है अंदर न्यूट्रल इचमेंट ना टर्न रेड वो कैसा हो जाएगा रेड जब भी आप उसमें कोई एसिड सोल्यूशन डालोगे लेकिन जब आप उसमें कोई बेस का डालोगे सोल्यूशन बेस जैसे आपको बता दिया ना सोडियम हाइड्रोक्साइड वो जब आप डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा ब्लू इतनी बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम एसिड्स में जब भी हम न्यूट्रल सबस्टांसिस में कोई जब भी हम इस लिटमस सोल्यूशन में एसिड डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा रेड और जब बेस डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा ब्लू ठीक है तो लिटमस सोल्यूशन टर्न्स एसिड्स इनटू रेड एंड बेसिस इनटू ब्लू तो ये थिन स्ट्रिप्स जो पेपर की हैं इनको जब आप सोक करते हो रेड लिटमस सोल्यूशन में या ब्लू लिटमस सोल्यूशन में और ड्राई करते हो तो इनकी स्ट्रिप्स क्या हो जाती हैं दी स्ट्रिप्स आर कॉमनली कॉल्ड रेड लिटम सोल्यूशन और ब्लू लिटम सोल्यूशन तो जब भी आप इस पेपर की स्ट्रिप्स को सोप करते हो रेड लिटमे सोल्यूशन में या ब्लू लिटम सोल्यूशन में तो ये क्या बन जाती है ये बन जाती है रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर ठीक है ये स्ट्राइप्स आपके बुकलेट्स में आपको केमिकल लेबोर्टरीज में जरूर मिलेंगी तो आप देख ही रहे हो ये रेड लिटमे सोल्यूशन है और ये ब्लू लिटमे सोल्यूशन है ठीक है सो रेड लिटमे सोल्यूशन क्या है ब्लू लिटम सोल्यूशन क्या है यहाँ पर मेरे को लग रहा है आपको क्लियर हो ही चुका होगा ठीक है जो ये पेपर की स्ट्राइप्स होती हैं इनको जब आप रेड लिटमस सॉल्यूशन सोल्यूशन में डालते हो ठीक है वो रेड लिटमस सॉल्यूशन आप समझ चुके होंगे कौन सा होता है रेड लिटमस सॉल्यूशन, सोल्यूशन जो एसिड में डाल के उनका कलर रेड हो जाता है और जब ब्लू वाले में डालते हो तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन हो जाता है इनका सो अब आ गया टर्मरिक टर्मरिक एक और इंडिकेटर है जो न्यूट्रल है पहला तो मैंने आपको बता दिया लिटमस ए नेचुरल डाई जो आपको लाइकन से मिलता है टर्मरिक का बता चुका हूँ मैं चाइना रोज आपको पता है ये फ्लावर होता है जिसकी पेटल्स कैसी होती हैं स्लाइटली पिंक होती हैं और इनका कलर उसी सोल्यूशन से आपको मिल जाता है ये ठीक है अब फर्दर नेक्स्ट पेज को हम पढ़ेंगे कि इनको ऑब्जर्व करने से पहले टू फाइंड द अफेक्ट ऑन रेड लिटमस ब्लू लिटमस ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन लेट ड्रॉप अ फ्यू विनेगर ड्रॉप्स इन कप हाफ फिल्ड विद स्टिल वाटर आपको उन्होंने बोला है कि आप कुछ ड्रॉप्स जो हैं विनेगर के सिरका जिसको आप बोलते हो वो कप में डाल दोगे उस कप में जिसमें क्या है आधा भरा हुआ है वो डिस्टिल्ड वाटर से फिर आपने क्या करना है टेक ड्रॉपर एंड फिल इट विद इन सोल्यूशन ऑफ विनेगर और आपको बोला है यहाँ पे क्या करना है एक फ्यू ड्रॉप्स आपने लेने हैं विनेगर के एक कप में ठीक है जो डिस्टिल्ड वाटर से भरा होगा फिर आपने ड्रॉपर लेना है और विनेगर के सोल्यूशन को उससे भर देना है और फिर उस ड्रॉप को आपने ब्लू लिटमस सोल्यूशन में डालना है ठीक है और रेड लिटमस सोल्यूशन में डालना है तो आप देखोगे जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन होगा वो रेड बन गया होगा रेड वाला क्या और बट देर इज़ नो अफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर ठीक है इससे एक चीज़ पता चल जाएगी देखो ना जो आपका ब्लू लिटमस सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा रेड और जो रेड है वो रेड का रेड ही रहेगा क्योंकि आपको पता ही है जो ये लिटमस पेपर होता है ये रेड हो जाता है जब इसमें कोई हम एसिड डालते हैं और अगर ये ब्लू और ये रेड हो जाता है जब इसमें कोई एसिड डालते हैं तो यहाँ पे ब्लू कलर का क्या बन गया रेड इसका मतलब जो आपका विनेगर है वो क्या होता है एसिडिक होता है नेचर में ठीक है सो so, इस तरह से आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो विनेगर सोल्यूशन एसिडिक होता है ये आप जानते हो तो इस प्रोसीजर में इन्होंने आपको अलग अलग चीज़ें दी हुई है। हैं जैसे सोप सोल्यूशन है सोप सोल्यूशन को जब आप रेड लिटमस पेपर में डालते हो तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि सोप क्या है बेसिक एयरेटेड वाटर ए रेटेड वाटर आपको बताया सोडा वाटर सोडा वाटर को जब आप रेड लिटमस में डालते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता लेकिन ब्लू वाले को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है इससे पता जाता है ये क्या Acidic है एसिडिक है कॉमन साल सोल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आता चाहे रेड लिटमस पेपर में डालो चाहे ब्लू लिटमस पेपर में डालो तो वो क्या है न्यूट्रल शैम्पू जो आपके घरों में सोल्यूशन होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है पर ब्लू वाले में कोई चेंज नहीं लाता इसका मतलब वो क्या है बेसिक है बेकिंग सोल्यूशन भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा और लेमन जूस और लेमन जूस क्या करेगा तो कर तो तो रेड तो पेपर में कोई चेंज नहीं लाएगा पर ब्लू में डालोगे तो उसको रेड कन्वर्ट कर देगा तो लेमन जूस क्या हो गया एसिडिक फिर आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा प्लस पेपर में कोई चेंज नहीं लाएगा क्योंकि रेड का रेड ही रहेगा ब्लू वाले को रेड बना देगा वो एसिड है नाइट्रिक एसिड दोबारा से ब्लू वाले को रेड बना देगा और पता चल जाएगा ये एसिडिक है और वॉशिंग सोडा भी जो है वो रेड वाले को ब्लू बना देगा पर ब्लू वाले को ब्लू ही रहने देगा क्योंकि ये क्या है बेसिक है ठीक है लाइम वाटर लाइम वाटर जो है वो क्या करेगा रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा और दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं आएगा लाइम वाटर ये मत समझना ये कि नींबू पानी है ये लाइम वाटर नींबू पानी नहीं होता ये लाइम वाटर क्या होता है एक कैल्शियम का पाउडर सा मिलता है एक ठीक है जो घरों में लोग पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसको पानी में जब हम डालते हैं तो उसका कलर थोड़ा मिल्की हो जाता है तो वो उसको लाइम वाटर बोलते हो आप ठीक है वैसे तो उसका जो लाइम वाटर होता है प्योर जो होता है लाइम वाटर वो ना उसका कलर ही नहीं होता वो कलरलेस होता है ठीक है तो इसमें जब आप डालते हो रेड लिटमस पेपर में इसको डालते हो तो वो ब्लू में हो जाता है इसका मतलब वो क्या है बेसिक सो so, आज मैं सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ कि जो एसिड्स होते हैं दे टर्न रेड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड ये ब्लू वाले को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं जब भी आप इसमें डालते हो तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है मैंने पढ़ाया है अच्छे से आपको समझ आया होगा फिर भी बेटा अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप फिर से ग्रुप्स में पूछ सकते हो So thank you and have a nice day.